वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकलपतरुवश कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच भक्तिपति देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवनम अविष्टदुहम् तेतास्पदम् शिव विरंचनतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनोतपाल भवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पाद पल्लवनख चंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूषदर्श पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनय कवितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणा भतारो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवाम भाग नारायणो प्रियमनंगो मदापहारम वाराणसीपुरपति भज वीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare Jadadvaitam Brahma Upanishadi Tadapiyaso Tanubha Ya Atmantaryami Purushaiti Swashang Shavibhavaha Sarai Sarjai Purno Ya Iho Bhagavan Sa Swayamayam Na Chaitanyat Krishnat Jagati Paratatto Paramiho Jadadvaitam Brahma Upanishadi Tadapiyaso Tanubha Ya Atmantaryami Purusho Iti Swashang Shobibhava Sarai Sarjai Purno Ya Iho Bhagavan Sa Swayamayam Na Chaitanyat Krishnat Jagati Paratatto Paramiho Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur पापा जी ने बताएं हमारा ये जो बद्ध मन है हमारा ये संकल्प और विकल्पात्मक ये जो हमारा संकल्प विकल्पात्मक धर्म विशिष्ट जो हृदय है यही जीवों का मैटेरियल माइंड बद्ध जीवों के लिए है प्रभुपाद जी ने बताएं गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जी ने बताएं ये जो बद्ध जीवों का जो संकल्प विकल्पात्मक धर्म विशिष्ट जो हृदय है इसी को ही जीवों का बद्ध जीव माना गया चैतन्य चरितामृतों में श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र पहुंचे श्री राधा रानी ने एक बात कही आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मोने बने एक करी मानी आनेर हृदय मन मतलब बद्ध जीवों का लिए जो हृदय में है और मन है सब कंटामिनेटेड आनेर आनेर मतलब आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन दूसरा लोगों के लिए बद्ध जीवों के लिए जो हृदय में है मन में है कंटामिनेटेड अवस्था है आनेर हृदय मन और मन मोर मन वृंदावन मेरा मन ही वृंदावन है वहाँ कोई दूसरा चीज का कोई स्थान नहीं कंटामिनेशन नहीं ये राधा रानी का प्रवचन अशुद्ध मन क्या है किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को जो मेटेरियल माइंड कंटामिनेटेड माइंड बद्ध मन ये क्या चीज है अरे बद्ध मन है या शुद्ध मन है मन तो दिखाई नहीं जाता तो इस बात चर्चा जो है किस बात की चर्चा है प्रभुपाद जी ने बताए अशुद्ध मन है वो संकल्प विकल्प मन का अंदर में जो विचार चलता है संकल्प करता है और संकल्प विकल्प संकल्प का विपरीत कभी करता है ये जो चलते रहता है बद्ध जीवों का हृदय में कंटिन्यूसली ये संकल्प और विकल्प चलते रहता है ये रुकता नहीं ये संकल्प विकल्प का एक लहर चलता है और ये जो संकल्प विकल्पात्मक जो हृदय है हृदय का कोई स्टेबिलिटी नहीं है और यही हृदय में जो है अमन जो है जीव का बद्ध मन इसी को ही बोला जाता है और भोग बुद्धि और त्याग बुद्धि परित्याग करके बोध दोनों ही भोग बुद्धि या त्याग बुद्धि दोनों परित्याग करके निरंतर कृष्ण सेवा में गुरु वैष्णव का अनुगत्य में लगे रहे निरंतर कृष्ण सेवा देख नो गैपिंग सेवा का बीच में कोई गैपिंग आ गया तो ये इसमें सेवा का स्टेबिलिटी जरूर नहीं है अनस्टेबल सेवा
मतलब सेवा का निरंतर जो कंटिन्यूटी नॉन स्टॉप सेवा नहीं, निरंतर कृष्ण सेवा युक्त होने से जो चित्त का सिचुएशन है, निरंतर सेवा युक्त चित्त जो है, ऐसे में पूर्ण पुरुष का विहार स्थल या तो शुद्ध मन बोला जाता है, जिसमें निरंतर सेवा का प्रसंग आता है, उस चित्तो में पूर्ण पुरुष का विहार स्थल है और इसी को ही शुद्ध मन माना जाता है। शुद्ध मन, प्योर माइंड, जिसमें अतद वस्तु का कोई स्थान नहीं है। पापा जी कह रहे हैं भोगने का जो बेसिक विषय है पंचतत्मात्र रूप रो शब्द स्पर्शो गंधो, ये जो है यही विषय है। विषय कोई दूसरा मैटेरियल विषय बोलते हैं, यही चीज आता है। मैटेरियल विषय को विचार करे घुमा फिरा कर यही आएगा, घुमा फिरा कर दूसरा एक मूड लेके आए, लेकिन यही है विषय। और ये सब विषयों का भोगों में बद्ध जीव उलझे रहते हैं और इसीलिए कंटेमिनेशन होता है। बद्ध जीवों का मन जो है विषय में अभिमान, विषय भोग का अभिमान है, और ये ऐसा जो माइंड है ये कंटेमिनेटेड माइंड और विषयी मन, अशुद्ध मन, इम्प्योर माइंड। ये माइंड जो इम्प्योर माइंड है, अशुद्ध मन में पूर्ण पुरुष भगवान का उपलब्धि करना संभव नहीं है। अशुद्ध मन के द्वारा, बद्ध मन के द्वारा भगवान परात्पर अखिलेश्वर हरि का उपलब्धि होता नहीं, हो नहीं पाता। भक्ति पुत्र चित्त में बिल्कुल भक्ति के द्वारा एकदम उद्भासित हृदय, भक्तिपूत निर्मल चित्तो जो है, एक इसी ऐसा मापिक जो भक्तिपूत निर्मल चित्त है, ये चित्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुभव होना संभव है। अक्सर आदमी ये सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा बहुत किताब किताब पढ़ के उसे मुखस्त कर लूँ। लेकिन कई बार चर्चा हो चुका, शास्त्रों का मुखस्थ करना और शास्त्रों का विचार जो अनुभव में लाना, ये दोनों एक जैसा नहीं है। और शास्त्रों का विचार हृदय में बिल्कुल अनुभव में लाना गुरु कृपा के अलावा संभव नहीं, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, ये अनुभव में ला नहीं पाएगा। हो सके तो मुखस्थ कर दिया, लेकिन अनुभव में लाने के लिए शास्त्रों का डाइजेशन, शास्त्रों का शुद्ध, शास्त्रों का विचार का डाइजेशन जो है, एकमात्र गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। अक्सर आदमी ये सोच लेते कि मैं क्यों नहीं शास्त्र पाठ कर लूँ, थोड़ा मुखस्थ कर लूँ, संस्कृत पढ़ लूँ, विचार वेदांत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, आदमी हमको सम्मान करे। लेकिन कई हजारों हजारों सच केस है, ये लोगों ने वेदांत पाठ करने का साहस किया, ये लोगों ने व्याकरण पढ़ने का भी साहस किया, लेकिन कोई आदमी इसको पूछता नहीं। क्यों? भजन नहीं है, अनुभव नहीं है भाई, ढेर सारे डिग्री लेकर बैठा हुआ है। हमने किसी को पूछा, किसी पंडित को, अरे इसको ये कैसे डिग्री मिला, इसको ये जो डिग्री हासिल किया कैसे किया? उन्होंने हमको साफा बोल दिया, महाराज वो मठ का इंचार्ज है, उसका पावर है, ये सब पावर कुछ भी कर रहा है, वो उसका डिग्री है, लेकिन ये शास्त्र पढ़ा नहीं। वो कैसे? बोले आपको समझने का दरकार नहीं, बोले डिग्री ले लिया लेकिन इसका कोई शास्त्रों का कोई बिल्कुल अनुभव है नहीं। एक बात पूछो बोल नहीं सकेगा, क्योंकि गुरु कृपा नहीं है, मेटेरियल पोजिशन लेके बैठा हुआ है।
शायद आप लोगों को याद है चैतन्य चरितामृत का ये जो विचार है, गौरांग महाप्रभु स्वयं बताए चैतन्य चरितामृत में है, ये चैतन्य चरितामृत में है, श्रीमान महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का खुद का विचार है। क्या विचार है? यह विचार है शास्त्रो गुरु आत्म रूपे अपनारे जाना है, बंगाली है, ध्यान से सुनना, शास्त्रो गुरु आत्म रूपे अपनारे जाना है, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर हय ज्ञान। थोड़ा विचार करें क्योंकि बांग्ला सब आदमी समझते नहीं। यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु, भगवान अपने को जनाने के लिए, भगवान अपने को जनाने के लिए मैं कैसा हूँ, क्या हूँ और मेरा विचार क्या है, मेरा अनोखा भाव कैसा है, मेरा रूप कैसा है, सारे मेला लीला लीला कैसा है, अपने को भगवान जनाने के लिए कई किस्म का तरीका अपनाए हैं। एक तो है शास्त्रों है और गुरु वैष्णव का रूप में, याद है ना, गुरु वैष्णव भागवत में कई सारे श्लोक है। गुरु वैष्णव का कोई अपना कोई काम नहीं है, महांतों का अपना कोई काम नहीं है, निजो कार्यो नहीं तो वो जान पौरो घरे हैं। महांतेर स्वभाव ही, महांतेर स्वभाव यही हैं, तारिते प्रामोर, प्रामोर माने प्रापिष्ठ हो, पापाचारी व्यक्ति को उद्धार करने की, महांतेर स्वभाव यही तारिते प्रामोर, निजो कार्यो नहीं तो वो जान पौरो घर, बांग्ला में है लेकिन बहुत साफा है। यहाँ बताया गया महांतो महांतो आचरणशील गुरु वैष्णव का जो भजन करते रहते हैं, पहुँचा हुआ गुरु वैष्णव, नित्य सिद्ध भी हो सकता साधन सिद्ध भी, फर्क नहीं पड़ता। महांतो स्वभाव यही हैं, महांतो का स्वभाव यही ताड़िते पामर, पामर व्यक्ति पापिष्ट व्यक्ति को उद्धार करके करने के लिए अपना कोई काम नहीं है कि फिर भी डोलते रहते हैं दूसरे का घर जाए। जब नारद जी महाराज जी को सांप मिला, दक्ष प्रजापति सांप दे दिया, प्रचेतस दक्ष रूप में जब आविर्भाव, पहले का जो दक्ष है ये जो शेद बराहकल्प में जो हमारा जो ये जो दक्ष है, ये तो प्रजापति दक्ष है, ये शंकर भगवान को गाली दिए और इसीलिए उसको सांप भी मिला नंदिया से। और प्रचेतस दक्ष जो है ये चाक्षुष मन्वंतर, इस समय ने पहले का स्वभाव इसका है किसी को सांप ना और अभिमान तो रह गया, ये सब बचा खुचा उसी का प्रभाव फैल गया हृदय में। नारद जी ने उन लड़का को सब उद्धार की तो नारद जी को गाली दिया, आप बेरहम हो, आपका कोई तमीज नहीं है, आप जानते नहीं हो कैसे हमारा सारे लड़का को आप साधु बना दिए, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको साफ दे दिया, चलो आप एक जगह रह नहीं सकोगे, एक जगह आप रह नहीं सकोगे, आपको डोलना होगा। नारद जी ने मुस्कुराया, भले महाराज आप तो अच्छा किया, यही तो साधु का काम तो यही है, साधु का वास्तव साधु का, और डोलने वाला जो बदमाश साधु का उसका नहीं, उसका साथ मिला जुला के बोले महाराज बोला है, ऐसा नहीं करना। नारद जी महाराज कह रहे तो ठीक है, इसीलिए महांतो गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं है गुरु वैष्णव का, ये शास्त्रों गुरु वैष्णव का रूप धारण करके, शास्त्रों का रूप पकड़कर आत्मरूप, कभी तत्प्रकाश तत्शक्ति ये सब बताया आत्मरूप, आत्मरूप कभी कभी चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं
भगवान कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम जी सो अपने को जनाने के लिए बद्रजीव को सामने प्रकाशित करने के लिए कई तरीका अपनाए हैं। और ये सब जब बद्रजीव का अगर पता चलता है ऐसा धीरे धीरे तो कृष्ण मोर प्रभु त्राता ये शास्त्रों के विचार के द्वारा या तो साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद सुनने के बाद और आत्म रूप में कभी चैतन्य महाप्रभु साधु बन के आया नित्यानंद प्रभु जी आया वो आया आके शास्त्रों का बात बताते हैं आचरण के द्वारा दिखाते हैं तो इसी समय बद्धजीव का अंदर में परिवर्तन होना संभव होता। बद्धजीव का हृदय का परिवर्तन होते रहते। कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवे रहाय ज्ञान ऐसे बद्धजीव का अनुभव में आता है। ऐसे बद्धजीवों का अनुभव में बद्धजीवों को अनुभव में आता है कृष्ण मोर प्रभु मेरा जन्म जन्म का प्रभु है कृष्ण और त्राता मेरा रक्षा करने वाले भगवान है कृष्ण मोर। कृष्ण बोल के कृष्ण नाम बोला क्योंकि कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी नहीं है बड़ाऊ जी नहीं ऐसा नहीं। राम ये कृष्ण शब्द यूज किया क्योंकि कृष्ण शब्द यूज करने से बाकी तमाम अवतार जो है ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे गए जीवों का नॉलेज आता है अनुभव आता है कृष्ण मोर प्रभु ताता भगवान मेरा प्रभु त्राता रक्षा करता। और जब तक बद्धजीव मनोधर्म मेंटल धर्म जब तक बद्धजीव मनोधर्मों के द्वारा चालित होकर शास्त्रों का विचार करने जाए पोपा जी कह रहे हैं मनोधर्मों के द्वारा चालित होकर अगर मैं शास्त्रों विचार करने जाए तो वंचित होना पड़ेगा तो जरूर वंचित होना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रों का अर्थ जो है ये प्रकाशित न है ना। शास्त्रों में विचार किया था ना पहले नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहु न सूते न जम एव ऐश तेन लभ्य जम एव ऐश विणुते तेन लभ्य तस्व आत्मा विणुते तुनु सामा। उपनिषद का श्लोक है जानते हो सुने होंगे बहुत बार। तो शास्त्र क्या है ये अगर कोई मनोधर्मों के द्वारा चालित होकर हमारा डिग्री है फलाना है हम जानते हैं शास्त्रों का विचार करने जाए तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो वंचित होना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रों शरणागतों का पास ही प्रकाशित होते हैं। शास्त्रों का विचार जो है शरणागतों जीवात्मा का पास प्रकाशित होते हैं। और एक कंडीशन है यथा देवे तथा गुरु जिसका गुरु में जितना निष्ठा है भक्ति है उतना निष्ठा भक्ति अगर भगवान में हो जाए तब होता है। भगवान में जैसा अचला भक्ति और ऐसा अचल भक्ति गुरु जी में हो जाए ऐसा किस्म का जो महात्मा है महात्मा ही होगा और क्या। इनके सामने शास्त्रों का अर्थ जो है प्रकाशित हो सकता हर आदमी का हर कोई का सामने शास्त्रों का विचार प्रकाशित नहीं हो पाता। पंडित अभिमानी कोई व्यक्ति जिस आदमी का अंदर में मैं पंडित हूँ ऐसा अभिमान है पंडित अभिमानी दाम्भिक लोगों का सामने शास्त्रों का है अर्थ जो है ये प्रकाशित नहीं होते। हम लोग अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग अगर काय मनोवाक्यो बाय बॉडी स्पीच एंड माइंड प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग अगर काय मनोवाक्यो बॉडी स्पीच एंड माइंड के द्वारा
संत महात्मा पहुंचा हुआ, संत महात्मा एलिवेटेड पर्सनैलिटी गुरु वैष्णव के सामने हरि कथा शोभन कीर्तन करते रहे तो ये अनुभव में आएगा, आए अनुभव में आ सकता। क्यों? क्योंकि ये महात्मा अनुभवी हैं, ये महात्मा संतोषी बाबा है, उसका कोई अंदर में डिसकंटेंट नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोषी बाबा। और शास्त्रों का विचार में अगर शास्त्रों का विचार करने जाए तो ऐसा मां भी कोई अनुभवी महात्मा का सामने जाए को शास्त्रों का अर्थ मेरा कृपा के द्वारा मेरा अंदर संचालित हो सकता है। जब भी मैं पिछले सप्ताह चर्चा की कि 14 नंबर अध्याय खत्म हो गया, खत्म मतलब हमने एंड कर दी, फिर भी हमने एक बात कही कि यद्यपि एंड हुआ फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये 26 नंबर श्लोक 27 नंबर श्लोक का और थोड़ा चर्चा होना जरूरी है। मैंने ये बात उठाया था, यद्यपि 15 नंबर अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे पाठ, फिर भी उसके पहले ये श्लोक जो है, मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सौ गुणानो समति त्वैतानो ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसका भी चर्चा हुआ था, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, फिर भी दो चार शब्द कह दे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन हो सकता, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ये जो है इसमें विचार करते करते यहाँ तक आया था, जो हरि निर्गुण वस्तु है, ध्यान देना, हरि निर्गुण वस्तु है और निर्गुण वस्तु का भजन के लिए निर्गुण भूमिका में जाना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दुखी मत होना, महाराज हम तो जा नहीं पाए, तो ठीक है, दुखी मत होना, ये कंडीशन है। निर्गुण भगवान का भजन करने के लिए हमको भी निर्गुण अवस्था में जाना पड़ेगा, और अगर ना जा पाए तो हमारा भजन पक्का हो नहीं पाएगा, भजन का प्रैक्टिस हो सकता है। हरिर् ही निर्गुणों साक्षात पुरुषो प्रकृति परः प्रकृति परे, प्रिंटिंग मिस्टेक किया यहाँ, हरिर् ही निर्गुणों साक्षात पुरुषो प्रकृति परे, भागवत का श्लोक है ये, सौ सर्वोद्रिक उपद्रष्टा त्वंग भजनो निर्गुणो भवेत। अगर व्याकरण का थोड़ा ज्ञान है तो कहाँ मिस्टेक है पकड़ पता, संभव है। विशेषस्य जो लिंगम है, विशेषों का जो लिंग है, सब कुछ है, भाव है, सब कुछ, विभक्ति वचनानी तानी सर्वानी, ये सर्व जो है विशेषण पद में ये युक्त होता है। मैंने विशेषों में सप्तमी हूँ तो विशेषण में भी ये होनी चाहिए, ये स्पेशलिटी है संस्कृत लैंग्वेज का। जो भी है ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, ये मुखस्थ होना चाहिए एकदम बिल्कुल। हरिर् ही निर्गुणों साक्षात पुरुषः प्रकृति परे सौ सर्वोद्रिक उपद्रष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवे, निर्गुण वस्तु का भजन के लिए परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो निर्गुण वस्तु हरि है, प्रकृति का अंदर प्रकृति का कोई प्रभाव चलता नहीं, क्योंकि प्रकृति परे, और ये निर्गुण भूमिका में जो भगवान है, हरि का भजन करने के लिए जाओ तो आपको भी निर्गुण भूमिका में उतारना पड़ेगा, और ये हर घट घट में हृदय में बैठकर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, नजरदारी कर रहे हैं। सौ सर्वद्रिक उपद्रष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवेत, उपद्रष्टा क्यों बताया, क्योंकि जीवात्मा का अंदर में अभिमान है, ये भी पुरुष है, ये दर्शन करते रहते हैं, और दर्शन के लिए इसका
अभिमान है, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं भोक्ता हूँ। इसीलिए हृदय का अंदर में एक जीवात्मा है जिसका अभिमान है दृष्टा, और परमात्मा है इसका कोई भोगने का कोई किसी चीज़ का दृष्टा, दर्शन, खान खान पीन किसी चीज़ का कोई इसका साथ लेना लेना देना नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। इसलिए उपदृष्टा अर्थात बद्ध जीव जो कुछ करते रहते हैं इसका ऊपर नज़रदारी नज़र निगरानी रखते हैं, और सौर हवदिक उपसन और इसका भजन जो करने जाओ, सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए तो आप अगर ये हरि का भजन करने जाओ तो आपको भी निर्गुण भूमिका में उतारना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और चक्रवर्ती पाद जो पहले वाला श्लोक का जो मांच जो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणानु समिति त्वैतानु ब्रह्म भूया कल्पते, जो जिस प्लेटफॉर्म में है मायावादी है, कुर्मी है, ज्ञानी है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, कुछ भी है, जो जिस स्थिति में विराजमान है, मायावादी है, जो जिस स्थिति में विराजमान है, वह अपना अपना हिसाब का मुताबिक विचार बनाते हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद जी ने बताया ब्रह्म भूयायो कल्पते, ब्रह्म भूयायो कल्पते, ब्रह्म भूयायो कल्पते, इसका माने मायावादी लोग दूसरा करते हैं। और चक्रवर्ती पाद जी ने बताया ब्रह्म भूयायो ये शब्दों का मतलब है ब्रह्मो का अनुभव, ब्रह्म अनुभव के योग्य हो, अर्थात ये ब्रह्म अनुभव करने का योग्यता क्वालिटी प्राप्त करता है। ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म नहीं, सविशेष ब्रह्मानुभव का योग्य होता है। और जे चैतन्य चरितामृत का श्लोक उद्धार किए मैंने चैतन्य चरितामृत से, ये भी कई दफे आप पहले चर्चा कर चुके हैं। ए चैतन्य चरितामृत में हमारा स्वरूप गोसाई जी का ये लिखा हुआ है यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्वत अनुभा फॉलो। उपनिषद में जिसको अद्वैत ब्रह्म बोला जाता है ये प्रभु का अंग कांति है, इम्पर्सनल ब्रह्म इफाल्जेंस ब्रह्म ज्योति है। यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्वत अनुभा य आत्मांतरयामी पुरुष इति सो अशांक्षो विभवः, वो अंतर्यामी रूप में जो अंदर में है बैठा हुआ है ये भी परिपूर्ण प्रकाश नहीं है भगवान, परमात्मा का रूप में अंतर्यामी का रूप में हर जीव के अंदर में रहते हुए सो अशांक्षो विभवः, ये विभव है शो अशांश विभाव अंशो विभाव, और भगवान जो है ये सर्वैश्वर्य पूर्ण अर्थात शक्ति समन्वित तत्व। मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्मों का कोई शक्ति नहीं है, शक्ति का साथ जुड़ा हुआ तत्व को अगर मान ले इसमें इसका अद्वैतवाद माने चलेगा नहीं, चलेगी नहीं। इसलिए सर्वैश्वर्य पूर्ण यो भगवान स्वयमयम, स्वयं भगवान जो है ये सर्वैश्वर्य से जुड़ा हुआ तत्व है, अनादिकाल से जुड़ा हुआ तत्व है, सर्वैश्वर्य पूर्ण यो भगवान स्वयमयम, स्वयं भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण सर्वविध ऐश्वर्य के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका बारे में कन्फर्मेशन है चैतन्य चरितामृत में, जे न चैतन्यात ये चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर परतत्व का और एक्सप्लेनेशन हुआ मुश्किल है।
मैंने पर तत्व का सबसे एंड, पर तत्व एंड मतलब मेटेरियल जगत में जैसे एंड का कंसेप्शन ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी जगत में एंड का कंसेप्शन कैलकुलस मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित है। तो इसे इधर जो है बताया गया कृष्ण चैतन्य न चैतन्यात् कृष्णात्, अर्थात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से परतत्व और कुछ नहीं है, ये परतत्व का एक्सट्रीम लिमिट है, शेष। और कृष्ण चैतन्य बोल दिया मतलब भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण चैतन्य, अर्थात गौरंग महाप्रभु और कृष्णबोध। तो ये जो ब्रह्मज्योति है इसका बारे में मायावाद जोगी ज्ञानी ये सब अलग अपना अपना हिसाब के अनुसार चलते रहते हैं। देखो कैसा हंगामा मच गया, सांखो योग जो सांखो योगी है जानते हो ना, जो सांखो योग सांखो का मुताबिक गुणाती तो हो जाना जरूरी है, सांखो मात्र जो है सांखो का जो कंसेप्शन है, सांखो योग का जो विचारधारा है इसी में आगे चलते हुए सांखो मत में गुणाती तो होकर केवल अर्थात कैवल्य लाभ करना ये जरूरी है एकमात्र उपेय। और पंचविंशति तत्व क्या ज्ञान, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे त्रिपुटी नाश, भगवान भक्तो भक्ति तीनों जो भेद है ये इटर्नली प्रेजेंट, भक्ति भक्तो भगवान चत हैं, ये जो है भक्ति भक्तो भगवान, ये जो है भगवान नाम हैं चतुर नाम बपु एक, ये तो तीन हमने बताया एक ही बात है, भक्ति भक्तो भगवान और भगवान का नाम चतुर नाम बपु एक, ये तो है एक। तो जब हम ये अपना विशेष को जीवात्मा मतलब हर जीवात्मा का एक विशेष जरूर है क्योंकि इंडिविजुअल सारे जीवों का स्पेशलिटी है, और जीवों का ये जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना ये तो बेकार की बात है, ये ठीक नहीं है। कैवल्य लाभ करना अर्थात मेरा सेव्य कोई नहीं है, सेवा बोल के कुछ नहीं रह जाएगा, अब मेरे को अपने को भी अनुभव करने का कोई तरीका है नहीं क्योंकि वो बुद्ध होके डूब जाए उसमें, एक केवल हो जाना कैवल्य लाभ करना ये सांखोजुगी का मत है। और पतंजल ऋषि का हिसाब के अनुसार ये ध्यान धारणा ये करते चलो, ध्येय वस्तु ध्यान धारणा ये सब करते चलो और अंतिम में निर्विच समाधि निर्विकल्प समाधि ये लोगों का फाइनल गोल है, किसी में मजा नहीं है। ये निर्विकल्प समाधि निर्विच समाधि इसमें क्या मजा है, क्या मजा है, कुछ है सेवानंद नहीं है। और सांखो जिसको प्रकृति बोलता है सांखो योग के द्वारा, सांखो विचार का मुताबिक जिसको प्रकृति बोला जाता है, और सांखो का विचार के अनुसार प्रकृति ऑल इन ऑल, सांखो का विचार का मुताबिक प्रकृति ऑल इन ऑल, लेकिन अद्वैत वेदांत के द्वारा ये अज्ञान है, ये कुछ नहीं है माया, ये अज्ञान है कुछ नहीं है। अद्वैत वेदांत तो उसी को ही अज्ञान और माया बोले तो कुछ भी नहीं, अज्ञान के द्वारा ये संसार दिखाई पड़ता है, संसार है ही नहीं ये लोगों का विचार है। और एक उदाहरण है सर्पों के द्वारा लटका रहा है एक रस्सा लटका रहा है और लाइट का बीम पड़ा और सांप जैसा लगा, ऐसा उदाहरण देते रहते बहुत कई बार चर्चा हो गया पहले,
लेकिन भगवान खुल्ला में खुल्ला बता दिया क्लियरली जे मेरा भक्ति योग सबसे ऊपर है। कोई कंपैरेटिव कंपैरेटिव स्टेटमेंट करे भगवान बोल दिया यही 14 अध्याय में आगे चल के बता दिया। इसमें बताया मेरा एकांत तो भक्ति योग हमको जो एकांत तो भक्ति योग के द्वारा सेवा करते रहते गुणातीत होकर ब्रह्मभाव लाभ करे भक्ति योग के सेवा के हमको एकांत तो भक्ति योग सेवा करते करते गुणातीत तो भूमिका में स्वतः स्वयं चले जाते हैं ब्रह्म भाव को लाभ करते हैं। अर्थात ब्रह्मवाद में भगवान क्या है कैसा है क्या उसका विचार है सारे ऐसा करते विचार बताया था। और भक्त्या अहम एकया लभ्यो ये सब भी विचार उठाया था चर्चा हो चुका है इस विषय में। चक्रवर्ती बात जी विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कोई अगर प्रश्न करे जो ये जो तीन गुण का प्रभाव है मम माया दूरत्वया मामे बोजे प्रपद्यन्ते माया में तम तदंति थे शास्त्रों में बताया बहुत साधु गुरु की पाबिना माया रे कोरिया जो आए छारणों ना जाए शादी गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। आर्यत्री और गीता में भी भगवान बताए मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे मम माया दूरत्वया मेरा माया को पार करना संभव नहीं है दूरत्वया असंभव बार फिर भी असंभव को संभव माना जाए क्योंकि भगवान का भक्तों का कृपा मतलब भगवान का कृपा से हो जाए मामे वे ये प्रवर्तनते माया में तंतरम थी हमारा भक्तों का चरण में शरणागत हो जाए मामे वे जो प्रवर्तन मैंने मेरा चरण में शरणागत हो जाए तो ठाकुर जी का चरण में डायरेक्टली शरणागत तो होना संभव नहीं है भक्तों का द्वारा ही होता है भक्तों का माध्यम होता है। और गुणातीत अवस्था में वैष्णव लोगों का जो शरीर है गुरु वैष्णव का जो शरीर है ये तो गुरु वैष्णव का जो शरीर है ये शरीर भी अप्राकृत है। गुरु वैष्णव का जो शरीर है गुरु वैष्णव का जो भाव है विचार है सारे अप्राकृत है लेकिन विश्वास होना संभव नहीं है मेटेरियल भावना आना ही है आएगा ही। भक्तों का ये जो भक्ति का रास्ते हैं भक्ति का जो रास्ता है ये भक्ति का जो रास्ते हैं भक्ति का जो रास्ते हैं इस रास्ते में साधन दशा से लेकर गुणातीत हो जाता है। सिद्ध भूमिका भी दरकार नहीं साधक दशा भक्तों साधक दशा अभी प्रैक्टिस चल रहा है बहुत कठोर प्रैक्टिस चल रहा है पूरा ये प्रैक्टिस अगर सही है तो ये प्रैक्टिस दशा में अर्थात साधक दशा में गुणातीत हो जाता है। क्या कहने का बात है कि सिद्ध भूमिका में अरे सिद्ध भूमिका में तो होगा ही होगा यहाँ तक कि साधक जब पक्का प्रचेष्टा कर रहा है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में साधक अवस्था उसका फिर भी गुणातीत अवस्था में जाता है अगर वो सही भजन न कर रहे है अगर वो सही भजन नहीं कर रहा है तो नहीं है। ये कहने का मतलब है साधक भक्तों साधक दशा से लेकर गुणातीत अवस्था में आरूढ़ हो जाता है अगर ये पक्का भजन कर रहा है सिद्ध महात्मा नहीं है फिर भी पक्का प्रचेष्टा कर रहे तो होगा। भक्तों साधक दशा से लेकर तरक्की धीरे धीरे आगे चलकर गुणातीत हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी गीता का श्लोक का उदाहरण देके बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति ये जो बताया
विश्वनाथ चक्रवर्ती व्यास इसका कमेंट्री लगाया अर्थात टिप्पणी की। विश्वनाथ चक्रवर्ती व्यास कह रहे हैं कि भक्तो साधक दशा से लेकर तो इसका अगर सिंसियरिटी है पक्का एकदम निष्ठा युक्त है सब कुछ है तो यूं समझ लो कि साधक दशा से वो गुणातीत भूमिका में जा रहा है। तो अगर भक्तों का दिया हुआ कुछ ऑफरिंग किया हुआ कोई वस्तु जैसे जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्तिया प्रयच्छति भक्ति के द्वारा जो मेरा मेरे को कोई अगर पुष्प फल जल पानी पत्ता कुछ भी दे देते हैं जल श्रक चंदन माला चंदन गंधादि द्रव्य कुछ भी अगर ठाकुर जी को दे दो द्रव्यम ये भगवत बहिर्मुख जो पाखंडी है ये लोग सोचेगा महाराज ये तो भगवान को ऑफर किया कैसे प्रसाद हुआ अरे दो, दो, दस मिनट के लिए रख दिया भगवान के सामने तुलसी डाल दिया अपराय हो गया प्रसाद। ये अगर कोई बात उठाए क्योंकि इन लोग अविश्वास नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि यहां तक कि भक्तों का दिया हुआ भक्तों तो निष्ठा के तो हो ही जाता है अपराकित भूमिका में आरूढ़ हो जाता है यहां तक कि भक्तों का द्वारा अर्पित जो पत्रों पुष्पों फल जल जो कुछ भी है चंदन माला ये सब द्रव्य भी भगवान अगर ग्रहण करे तो अपराकित जरूर बन जाए लेकिन फिर भी जो मेटेरियल आदमी है जड़ जगत का आदमी है इसका अंदर में कई किस्म का संशय संदेह पैदा होगी बोले कैसे हो सकता है ऐसा ऐसा भोग लगाया भात दाल सब्जी कैसे अप्राकृत हो गया आप ये बोल सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि भक्तों तो होगा ही अब निष्ठा के द्वारा हो जाता है साधक भूमिका में भक्तो साधक दशा से लेकर गुणाती तो हो जाता है लेकिन चक्रवर्ती वाले ये भी क्या कहे इसका बारे में यहाँ तक कि भक्तों का द्वारा दिया हुआ पत्र पुष्प फल जल चंदन पुष्प ये भी भगवान के द्वारा अगर गृहित हो गया होगा भगवान अगर ग्रहण कर ले तो अपराकित हो जाता है लेकिन फिर भी बहिर्मुख व्यक्ति मेटेरियल आदमी जो है ये लोग मानते नहीं। बहिर्मुख व्यक्ति भोग चोके एंजॉयिंग मूड लेकर भोगी व्यक्ति इसका भोग का प्रवृत्ति लेकर विचार करने जाए तो लगेगा मानो कि लगेगा ये मेटेरियल है प्राकृत है भोग नेत्रे अर्थात एंजॉयिंग मूड लेकर अगर दर्शन करने जाओ तो ये प्राकृत विषय बोल के अनुभव में आए प्राकृत विषय लगेगा आपका। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि यद्यपि ये लोग उल्टा समझे यद्यपि मेटेरियल आदमी विश्वास न करे तथापि भगवान में अर्पित होने का बाद भगवान ग्रहण कर लिया तो अप्राकृत होना ही है प्रसाद फूल जल सब कुछ है। कई बार चैतन्य चरितमृत तो आप विचार करके देखा होगा प्रभु चैतन्य चरितमृत तो कह रहे हैं महाप्रभु चैतन्य चरितमृत तो कह रहे हैं सनातन गोसाई का जब सनातन गोसाई का सनातन गोस्वामी पाद का जो शरीर में खुजली हो गया था स्कैबिस और ब्लड चल रहा है और खराब खून चल रहा है लेकिन फिर भी महाप्रभु ने आचरण करके दिखाए महाप्रभु जी ने बताए सनातन कह रहे हैं मेरा शरीर ऐसा है जड़ शरीर है आप बीमार से भड़ा पूड़ा है आप क्यों इसको स्पर्श करो ये उचित नहीं है ये तो उचित नहीं आप कैसे स्पर्श कर दिया मेरा शरीर अब प्राकृत है दूषित है खून चल रहा है बैड ब्लड चल रहा है खराब खून चल रहा है
लेकिन महाप्रभु जी ने बताए वैष्णव देहो प्राकृतो कभु न है। प्रभु कहे, प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव देहो प्राकृतो कभु न है। प्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव शरीर कभी प्राकृतो हो नहीं सकता, अप्राकृतो देहो भक्ते चिदानंदमय, भक्तों का शरीर जो है चिदानंदमय है, सच्चिद आनंदमय, भक्तों का भगवान का दोनों का। प्रभु कहे वैष्णव देहो प्राकृतो कभु न है। प्रभु कह रहे हैं कि ये वैष्णव देहो प्राकृत मेटेरियल नहीं है, ये अप्राकृत देहो भक्तेर चिदानंदमय, चिदानंदमय शरीर है भक्तों का। क्यों? इसका जवाब महाप्रभु ने दिया, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का समय, दीक्षा लेते समय सदगुरु वैष्णव का कृपा से दीक्षा लेने के समय, दीक्षा काले भक्तों क्या करता है, भक्तों आत्मसमर्पण कर देते, आत्म सरेंडर, कॉजलेस सरेंडर। अहितुकी अप्राकृतो देहो भक्ते चिदानंदमय। क्यों? बोले दीक्षा का समय, दीक्षा काले भक्तों करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का समय भक्तों आत्मनिवेदन कर देते हैं, दीक्षा काले भक्तों करे आत्मसमर्पण, और उसी समय जब शरणागत हो जाए भक्तों के सामने, सही उसी समय कृष्ण उसको आत्मसात कर लेते हैं। दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई देह करे तार चिदानंदमय। ये शरीर को अप्राकृत बना दे, अप्राकृत है ना। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। एक आत्मसम माना चिन्मय भूमिका में ये भी जाता है, भगवान तो है ही है। सही देहो, उसी देहो को चिदानंदमय बना देते हैं, अप्राकृत देह तार चरण हो जाए, अप्राकृत शरीर लेकर ये भजन में लगे रहते, भजन चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि कैसे गुणातीत भूमिका में जाए, गुण के अतिक्रम करना संभव नहीं है। कैसे इत्री गुण को अतिक्रम करके जाओगे, इसमें माम चौ, ये चौ शब्द लगाया, चौ अव्यय है, ये जो लगाया है, ये जो चौ शब्द लगाया है इसके द्वारा ये निश्चय अर्थ, डेफिनेटली ये निश्चय अर्थक हमको ही प्राप्त करता है। इसको समझाने के लिए भगवान लगाया चौ। और श्याम सुंदर आकार परमेश्वर विश्वनाथ चकुद्वा कह रहे हैं कि श्याम सुंदर आकार परमेश्वर भगवान, मानो कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो श्याम सुंदर आकार परमेश्वर परतत्व हमको ही एफर्मेटिव दे दिया, हमको ही जो व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा सेवा करते रहते हैं वो मात्रो ब्रह्म भूयायो ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मेर भावापन्नो अर्थात ब्रह्म का अनुभव के, ब्रह्म को अनुभव करने का लायक बनता है। कई बार भगवान कहें कि हम ऐकांतिक भक्ति के द्वारा ही लभ्य, एकया भक्ता आम एकया लभ्य। विश्वनाथ चकुदय कह रहे हैं कि यहाँ एफर्मेटिव एवो लगाया, एवं मतलब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं,
दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसलिए अफर्मेटिव इधर इस श्लोक में एवो एवो कार के द्वारा निश्चय डेफिनेटली, क्योंकि भक्ति छोड़कर, भक्ति को छोड़कर अन्य कोई दूसरा कोई किस्म का भक्ति छोड़कर, भक्ति छोड़कर दूसरा रास्ता में जाओ तो होगा नहीं। भक्ति व्यतीत तो अन्य प्रकार के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करना संभव नहीं। भक्ति के अलावा, भक्ति के अलावा दूसरा कोई प्रोसीड्योर अन्य प्रकार के ब्रह्म अनुभव संभव नहीं है। किस प्रकार भक्ति योग, इसका बारे में बताया, अव्यभिचारेनो तत्कर्मो ज्ञानी का जो अमिश्रो कर्म ज्ञानादि द्वारा अमिश्रो मिलावटी नहीं है, निष्काम कर्मयोग ये माना जाए। अव्यभिचारेनो मतलब कर्म ज्ञानादि जो अमिश्रो कंटामिनेटेड नहीं है, फ्री प्रियो निष्काम कर्मों का भी त्याग, निष्काम कर्मों का भी त्याग सुना जाता है। आज जो ज्ञान है ये भी मेरे में संन्यास कर देना, क्योंकि कच्चा ज्ञान अगर रहे, अगर ज्ञान पक्का भूमिका में गया तो भगवत दर्शन, भगवान का श्लोक का अनुभव सब हो सकता, मंत्रों का। लेकिन अगर नहीं गया इस अवस्था में, तो इसका लिए ज्ञान जो है बहुत मुश्किल हो सकता। इसलिए एवं गुरु पसनई को भक्त्या विद्या कोठरेण सिथेन धीर विवृश्य जीवा संयमयम अप्रमत्त संविश्य आत्मनम अथो त्याज्यस्तम। ज्ञान का पक्का अनुभव हो गया कि मेरा जो जीव का स्वरूप है कैसा है, भगवान क्या है, ये सब हो गया पक्का ज्ञान, तो पक्का ज्ञान का माने है भक्ति। ज्ञान जब तक कच्चा रहे, अनुभव में ना आए कि अद्वैत ज्ञान तो सारे तमाम दुनिया भगवानी है, तो इसलिए ज्ञान के द्वारा विद्या कोठरे न धीरो। और जब ज्ञान का जो सिद्धि है हासिल होने का बाद इसको भी छोड़ो, क्योंकि आगे चलकर अभिमान आ सकता है, ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए ये भी रखना नहीं है। ज्ञानी गुण का चरम अवस्था में ज्ञान त्याग का प्रसंग है, लेकिन भक्ति युग का बारे में भगवान का भक्ति छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, किसी जिसको त्यागना नहीं है, उल्टा हो जाए। और आगे चलकर 27 नंबर श्लोक में भगवान बताए जे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्याभ्यस्तच। जो ब्रह्म लेकर मायावादी अज्ञानी योगी सब व्यस्त है, यहाँ बताया गया भगवान श्री कृष्ण खुद बताया अर्जुन को, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अर्जुन ब्रह्मो का जो अनुभव है ये तो मैं ही हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मो का प्रतिष्ठा कहाँ है, मेरे में ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च। और इसका साथ साथ बताया गया शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखै सुखै कांतिकस्य च। ब्रह्म का कारण ब्रह्म मैं हूँ, कारण मैं ब्रह्म हूँ, प्रतिष्ठा ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा व आश्रय मैं हूँ।
भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यदि अगर प्रश्न किया, किसी ने अगर प्रश्न किया, ब्रह्म संपत्ति जीवों का सर्व प्रकार में साधन का फल है, तो आप कैसे इसको टाल रहे हो? यदि अगर कहा जाए ब्रह्म संपत्ति ये सबसे बड़ा चीज़ है, जीवों का सर्व प्रकार का साधन का फल है, अगर ये आप बोलो, तो फिर कैसे ब्रह्मभूत व्यक्ति तुम्हारा निर्गुण प्रेम संभोग कर सकता? कैसे? यदि अगर कई अगर ऐसा बोले कि ब्रह्म संपत्ति जीवों के लिए साधन का फल है, अल्टीमेट रिजल्ट, तो फिर मेरा क्वेश्चन है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, तो फिर कैसे ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है, ब्रह्मभूत व्यक्ति त्वहार निर्गुण प्रेम संभोग कर सकता? इसका बाद भक्तिविनोद ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, भगवान मानो कि भगवान कह रहे हैं, मानो कि भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारा नित्य निर्विश हमारा नित्य निर्गुण अवस्था जो है स्वरूप वस्तु, ये भी भगवान ही है। हमारा नित्य निर्गुण अवस्था में जो स्वरूप भूमिका में है ये भगवान है। हमारा जड़ शक्ति का अंदर में जब ततस्था शक्ति का बीज बोया जाता है तो इस समय चैतन्य बीज जो है ये ततस्था जड़ो जड़ो शक्ति, भगवान कह रहे हैं कि हमारा ततस्था शक्ति चतुस्था शक्ति का अंदर में चैतन्य बीज का आधान के समय, उस समय पहले जो शक्ति का इवोल्यूशन हुआ था, प्रथमोक्त शक्ति आदि, और इसको ही हमारा ब्रह्म स्वभाव बोला गया। जड़बद्ध जीव ज्ञानालोचना करते करते, बद्ध जीव जड़बद्ध जीव ज्ञान का चर्चा करते करते ऐसा ऊंचा अवस्था में जाने का कोशिश करता है, वो बोला हम ब्रह्म प्राप्त हुआ, ब्रह्म लाभ करें, उस समय जड़बद्ध अवस्था में जीव ज्ञान चर्चा करते करते जब उच्च अवस्था में जाए तो मेरा ब्रह्म धाम को प्राप्त करता है। उसी समय निर्गुण अवस्था, भक्तिमंटा कह रहे हैं इसी जो समय है ये है निर्गुण अवस्था का पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज। इसी सीमा में जाने का बाद इसी समय जाने का पूर्व पहले इसी समय इसी सीमा पे पहुंचने का पहले इसी सीमा लाभ करीबार पूर्वे जड़ो विशेष मेटेरियल स्पेशलिटी जो है जड़ो विशेष, जब प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं इनर्ट है, तो जड़ो विशेष को त्याग करो, फेंकना चाहता है। जड़ो विशेष का त्याग रूप एक निर्विशेष अवस्था प्राइमरी अवस्था में पहुंच जाता है साधक का, और वो अवस्था हटने का बाद निर्विशेष अर्थात इम्पर्सनल इफेलजेंस का लिए जो इतना इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे हट जाए। कहने का मतलब है निर्गुण अवस्था का पहला स्टेज जो पहुंच गया, बद्ध जीव अगर पहुंच गया होता तो वही सीमा लाभ करने का बाद जड़ो विशेष एक निर्विशेष भाव को प्राप्त करता है प्राइमरीली फर्स्ट। इस अवस्था में निर्विशेषता एलिमिनेट होने का बाद निर्विशेष भाव एलिमिनेट होने का बाद निर्विशेष भाव एक्चुअली निर्विशेष भाव पहले आता है, और पहले एक निर्विशेष अवस्था पहुंचता है जड़ो विशेष त्याग रूप एक निर्विशेष अवस्था,
जरो विशेष त्याग रूप जरो विशेष त्याग रूप एक निर्विशेष अवस्था को पहले फर्स्ट स्टेज पहला स्टेज में प्राप्त होता है। और इसी अवस्था में उपस्थित रहने का समय पहले पहले निर्विशेष इसका ये जो पहले फर्स्ट स्टेज में पहुंचने के बाद निर्विशेष एक ये निर्विशेषता एलिमिनेट हो एलिमिनेट करने के बाद चित विशेष हो जाता है। भक्त मित्र कह रहे हैं ये निर्विशेष भाव को एलिमिनेट करने के बाद चित विशेष हो जाता है और क्रमानुसारे ग्रेजुअली चर्चा करके देखो तो ज्ञान मार्ग में सनकादि ऋषि और वामदेव ये सारे जो है ज्ञान मार्ग में नवजगंद्रो सनकादि ऋषि ओ वामदेव ये प्रवृत्ति निर्विशेष जो निर्विशेष आलोचक अर्थात चर्चा करने वाले ये निर्विशेष चर्चा करने वाले निर्गुण भक्ति रस रूप अमृत लाभ करता है। निर्विशेष चर्चा रूप निर्विशेष भक्ति रस अमृत तो प्राप्त करता है। इसमें भी एक भक्ति का रस मिलावटी है। इसमें क्रमानुसारे ज्ञान मार्ग में सनक आदि ऋषि सनक सनंदन सनातन हैं उसका बाद नवजोगेंद्र आदि वामदेव प्रभृति पहले जो निर्विशेष अवस्था में पहुँचता निर्गुण भक्ति रस रूप एक अमृत निर्गुण भक्ति रस रूप अमृत लाभ करता है पहले। और मुमुक्षु के रास्ते में दुर्वासा दुर्वासना से प्रेरित होकर जो दुर्वासा आदि ऋषि का जो ये है ये ब्रह्म तत्व में सम्यक अवस्थिति नहीं हो पाता इसलिए निर्गुण भक्ति लाभ करना ये लोगों के लिए संभव नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण और सविशेष निर्गुण और सविशेष विशेष और सविशेष भगवान कह रहे हैं कि वस्तुतः निर्गुण भूमिका और सविशेष भूमिका जो तत्व है ये मैं ही हूँ। ज्ञानी दिगो का ज्ञानी लोगों का लिए ज्ञान मार्ग में चरम गति ब्रह्मों का प्रतिष्ठा व आश्रय मैं हूँ और अमृतत्व अव्ययत्व नित्यत्व नित्य धर्म रूप प्रेम ओ ऐकांतिक सुख रूप ब्रह्मरस ये समुदाय निर्गुण सविशेष तत्व रूप कृष्ण स्वरूप के आश्रय करके ही रहता है। भक्तों ये तमाम जो तत्व है अमृतत्व अव्ययत्व नित्यत्व नित्य धर्म रूप प्रेम तत्व और ऐकांतिक सुख रूप ब्रजरस इस तमाम जो है हमको ही आश्रय करके विराजमान है। हमको छोड़ के किसी का स्थिति नहीं है। क्या बताया 27 नंबर श्लोक में भगवान बताया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम ब्रह्मों का प्रतिष्ठा मैं हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकान्तिकस्य च। कहने का मतलब है भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठा निर्विशेष ब्रह्म का मैं आश्रय हूँ प्रतिष्ठा हूँ। अव्यक्तो ही गतिर दुःखम देहो वद भी रवापते कई श्लोक पहले चर्चा हो गया था। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान कह रहे हैं कि क्यों कारण मैं ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय हूँ अव्यय मोक्ष का मैं आश्रय हूँ। सनातन धर्मों व वैकांतिक धर्मों में जो
सुख है वो एकांतिक सुख, ये भी मैं ही हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखोई सुखोस्य कांतिकस्य च। क्या बताया? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखोस्य कांतिकस्य च सुखोस्य ऐकांतिकस्य च। कोई अगर ऐसा तर्क उठाए, जो व्यक्ति आपका ही वैकांतिक भक्ति योग के द्वारा त्रिगुण अतिक्रम करके ब्रह्म बाप को प्राप्त कर लिया, ये फिर से कैसे निर्गुण कृष्णो लीला रस बा कृष्णो प्रेम आस्वादन करने के लायक बन सकता? क्या बताए? किसी ने अगर ऐसा तर्क अगर उठाया है, कोई अगर ऐसा पूछे जो पूर्व पक्ष करे, तो हे ठाकुर जी, जो आपको वैकांतिक भक्ति योग के द्वारा त्रिगुण का भूमिका अतिक्रम करके ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है, वो कैसे फिर से कैसे वो निर्गुण कृष्ण लीला रस व प्रेम आस्वादन कर सकते, कैसे हो सकता, ये बताओ। अगर ऐसा प्रश्न किया किसी ने, तो उत्तर ये है, इसका आंसर बोल रहे भगवान, कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म का तो प्रतिष्ठा हूं। भगवान कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहा है भगवान, जो देखो मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं, आश्रय हूं, मेरा जो अंग ज्योति है ये ब्रह्म, उसी ज्योतिर्भ्यंतरी श्याम सुंदर मूर्ति जम श्याम सुंदर मचिंत गुण सर्वम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी। याद है ना, ज्योतिर्भ्यंतरे बाहर में ज्योति है, ज्योतिर्भ्यंतरे श्याम सुंदर मूर्ति मैं हूं, और स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, मैं ही अव्यय मोक्षों का एकमात्र आश्रय, मैं ही अव्यय मोक्षों का एकमात्र आश्रय स्थल मैं हूं। सनातन भक्ति धर्मों का एवं ब्रजो लीला पर यहाँ बताया गया, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा आश्रय हूँ, मेरा जो अंग ज्योति है ब्रह्म है, और ये ब्रह्म ज्योति का अंदर में श्याम सुंदर मूर्ति मैं स्वयं हूँ, पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, मैं ही अव्यय मोक्षों का एकमात्र आश्रय स्थल। सनातन भक्ति धर्मों में या तो ब्रजो लीला पर वैकांतिक सुख का जो रस प्रवाहित होते रहते हैं, ये मैं ही परम आश्रय हूँ। आई बात समझ में? मैं ही अव्यय मोक्षों का आश्रय स्थल हूँ सनातन भक्ति धर्मों में एवं ब्रजो लीला पर वैकांतिक सुख बा यावतीय रस का मैं एब्सोल्यूट आश्रय हूँ, मैं परम आश्रय स्थल। क्यों? बोले जेहेतु इसलिए मैं सब कोई का मूल आकार व आश्रय हूँ, सर कोई व्यक्ति हर कुछ वस्तु मेरा आश्रित मेरा अधीन तत्व है। ये मत समझना कि कृष्ण का है ना, यह बताया सनातन भक्ति धर्मों का
और ब्रज लीला पर ऐकांतिक सुख का जावतीय रस का मैं परम आश्रय स्थल हूं और मैं मूल में मूल आकर आश्रय मैं हूं। मेरा आश्रय अधीन तत्व है सारे तमाम दुनिया, इसीलिए मेरे को भक्ति योग के द्वारा भजन करे तो मेरा भक्ति का फल, मेरा भक्ति का फल रिजल्ट मुझ में भक्ति करने से, मेरे को भक्ति करने से मेरा भक्ति का फल जो है सकल फल यहाँ से आता है। जेतु मैं आकर वस्तु हूँ, मूल हूँ, मेरा सारे चीज मेरा आश्रय स्थल है, अधीन तत्व है, इसीलिए मेरा भक्ति के द्वारा तमाम चीज लाभ होता है। ये युक्ति इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं मूल हूँ, मैं मूल में मैं हूँ, इसीलिए मेरा भक्ति करने के सारे मिल जाए, इसमें क्या ये लॉजिक है, है अपराकृत लॉजिक। और बद्ध जीव अगर निर्गुण भूमिका में पहुंचे तो द्वितीय अवस्था अमाते मेरे मुझ में अनन्य भक्ति के द्वारा जीव जो है निर्गुणता क्रमे धीरे धीरे निर्गुण अवस्था में पहुंचकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ये केवल उसका स्वस्वरूप लाभ मात्र, जीव ब्रह्म नहीं हो जाता, ये केवल स्वस्वरूप को प्राप्त करता, मतलब गौड़ीय विचार के अनुसार जो है, गौड़ीय विचार के अनुसार जो है, जो मुक्तिर हित्वा अन्यथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित हितु मुक्ति, जीव स्वस्वरूप में अवस्थित तो होना ही दास्य सख्यादि जो कुछ भी है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जो है जो शास्त्र में बताया, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ये बताया, और एक श्लोक हमने बताया अभी जो मुक्तिर हित्वा अन्यथ रूपम, मायावादी मुक्ति समझते हैं, ब्रह्म में समा जाओ, मुक्तिर हित्वा अन्यथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, वास्तव मुक्ति है स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अनन्य भक्ति योग के द्वारा जीव जो निर्गुणता क्रमे, अर्थात ये भी निर्गुण अतिक्रम निर्गुण भूमिका में जाकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, और इसका माने है अपना स्वस्वरूप को आविष्कार करना, इसका माने है अपना स्वस्वरूप को लाभ करना, जो खो गया अंदर में है लेकिन बाहर में मिलता नहीं, ये स्वस्वरूप को प्राप्त करना। जीव स्वस्वरूप में अवस्थित होने का बाद उसका दास्य सख्यादि जो व्यवहार है भगवान का साथ ये हो सकता, उसका पहले नहीं। सो अनन्य भक्ति के द्वारा जीव जो निर्गुण अवस्था को अतिक्रम कर निर्गुण भूमिका में जाए आप ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ये केवल स्वस्वरूप को प्राप्त करना, ये वास्तव विचार। जीव स्वस्वरूप में अवस्थित होने के साथ साथ दास्य सख्यादि इसका सारे के सारे का अंदर है ना, ये जो भगवान का साथ नाता जोड़ने का सेवा करने का एक रास्ता खुल जाता है, दास्य सख्य आदि जो भाव प्राप्त होता है ये हमारा इसके द्वारा मेरा सेवा करने का लायक बनता है। कोई अगर दास्य रस में है, कोई सख्यों में है, ऐसा करके कोई किस भूमिका में है ये सेवा कर सकता है, मेरा सेवा का लायक हो जाता है, एवं नित्य लीला में जाने का बाद मेरा परिकरत्व, मेरा पार्षदत्व, नित्य लीला में जाने का बाद मेरा नित्य लीला में जाने का बाद मेरा क्या होता है,
नित्य लीला में जाने का बाद ही क्या होता है, नित्य जो इसका जो जो पार्षदत्व प्राप्त होता है, पार्षदत्व परिकारत्व लाभ करता है। ब्रह्म संहिता में भी इस बारे में बताया गया, जब ब्रह्म ज्योति का बारे में ब्रह्म संहिता में ये बताया गया एकदम, जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम, ये पक्का प्रमाण है। इतना सुनने का बाद भी ये श्लोक सुनो, ये समझ में आएगी क्या है। जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम, जिसका अंग ज्योति है जस्यो प्रभा तो जगदंड कोटि है, जिस जस्यो प्रभा अंग ज्योति है, इसका बाद जस्यो प्रभा भवतो जगदंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड वह कोटिशु अशेष पशुधादि पृथ्वी आदि ग्रह तारा सारे हैं विभूति भिन्न जो गोविंद और जद ब्रह्म, जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, ये गोविंद का ही गोविंद से ही आया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम जद ब्रह्म निष्कलम अनंत पुरुष, ये इसका ही अंदर जाओ विचार करके देखो, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम, ये गोविंद है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति, ये शब्द भी है कई बार, और जो श्लोक मैंने चर्चा किया वो भी है, जदत्तम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अश्वतनुभा इत्यादि। तो जब जो भी है भगवान कह दिया कि मेरा भक्त जो है, मेरा भक्त श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई नहीं है, और ज्योति पोती जो कुछ भी है इसमें कोई खोती नहीं है, ज्योति पोती जो कुछ भी कहा हो ये ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च, ये सारे अमृत अव्यय ब्रह्म का ज्योति शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य अधर्मस्य नित्यत्व और अमृतत्व जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूँ, इसका सोर्स हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च, ऐकान्तिक सुख का भी मैं आश्रयस्थल हूँ, ये विचार बता के। तो ये आज जो है ये आपका ये चौदह नंबर अध्याय का ये थोड़ा चौदह नंबर अध्याय का यहाँ समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवते श्रीमद् श्री महाभारते शतसहस्रायम श्री महाभारते शतसहस्राम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्मो पर्वणि श्रीमद्भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मो विद्यायम योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभागो योगो नामो चतुर्दशो अध्यायः समाप्तः। अब आगे चल के 15 नंबर अध्याय शुरुआत होने जा रहा है। 15 नंबर अध्याय, 15 नंबर अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ये ऊर्ध्वमूलम अधः श्वाखम असत्यम प्राहुरव्ययम, ऊर्ध्वमूलम अधः श्वाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः श्वाखम असत्यम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्सोपर्णानि यस्तम वेद स वेदवी,
भगवानों की भगवान कह रहे हैं ये श्रुति तमाम श्रुति जो संसार को एक ऊर्ध्वमूल विशिष्ट एक वृक्ष मानते हैं, भगवान कह रहे हैं ये श्रुति सकल तमाम श्रुति जो है ये संसार को ये ऊर्ध्वमूल विशिष्ट माने एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर में ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम ऐसा विचार ऊर्ध्वमूल विशिष्ट अध शाखा युक्त नीचे में शाखा प्रशाखा इसका ब्रांचिंग जो है ये नीचे और ऊपर जो है उसका रूट नित्य तथापि विनश्वर बोल के ये असत्य वृक्ष का साथ तुलना किया गया ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम असत्यम प्राहुरभयम ये संसार वृक्षों को ऊर्ध्वमूल अधोशाख बहुत ब्रांचिंग है इसमें ब्रांचेस और इसको एक असत्य वृक्षों का साथ एक असत्य वृक्षों का साथ तुलना पीपल एक पीपल ट्री पीपल वृक्षों का साथ तुलना किया गया और कर्म प्रतिकारक जो वेद सब है वेद में एक एक करके विचार बताया कर्म प्रतिपादक कर्मों को प्रतिपादन करने वाले वेद में जो तरह तरह का विचार बताया है वेद वाक्य सकल वृक्षों का पत्तल है पत्तल है पत्तल स्वरूप और ये जो वृक्ष है ये तत्व जो है ये संसार रूपी महिरुहो संस्कृत में वृक्षों को महिरुहो बोला जाता है फिर वृक्षों भी बोला जाता है तो ये वृक्षों का जो कंसेप्शन है जिसका हृदय में कंसेप्शन पक्का बैठ गया ये संसार कुछ नहीं है एक पीपल पेड़ जैसा है लेकिन इसका जो जड़ है ऊपर है और इसका ब्रांचिंग जो है नीचे है और पत्ता पत्ता जो हरा भरा है ये सब है कर्म कांडी का अर्थात ये जो कर्म प्रतिपादक वेद समूह इसमें तरह तरह का विचार ये पत्तम पुष्पल ऐसा जैसा तो इसको ये जो वृक्षों का एक कंसेप्शन है ये एक असत्य वृक्ष है एक असत्य वृक्ष है ये एक असत्य वृक्षों का बराबर है ऐसा अगर किसी का हृदय में ऐसा भावना आया वृक्ष तत्वों का अनुभव आया तो जरूर यूं समझ लो कि जरूर इसका ये वेदज्ञ है ये वेद को जानते हैं वेदवादी नहीं वेदविद वेदवादी और वेदविद वेद को जानने वाले अनुभव करने वाले भगवान कर रहे हैं कह रहे हैं ये वृक्षों का कंसेप्शन हमने बताया ऊर्ध्वमूलम अधोश्वाखम असत्यम प्राहुरभयम छंदांसी जशोपर्णानी जस्तम वेद सवेदविद उसी को वेदविद माना जाता है वेदवादी नहीं उसको वेदविद माना जाए जो ये वृक्षों का कंसेप्शन जानता है ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका जो कंसेप्शन अगर अनुभव में आया तो जरूर ये वेदविद है वेद को जानने वाले हैं वेदज्ञ हैं भगवान ऐसा बताया। संसार में धर्म अर्थ काम और मुख्य इसी बात को लेकर सारे आदमी जितना सारे आदमी हैं सारे ही धर्म अर्थ काम मुख्य इसी को लेके इसमें भी छानबीन विचार किया जाए तो धर्मो और अर्थो ये दोनों में धर्म अर्थ काम ये चारों में धर्मो तो करना नहीं चाहता फिर भी करना चाहे तो धर्मों को अपना इंस्ट्रूमेंट बना दे धर्म अर्थ काम मुख्य है इसमें धर्मों को कोई नहीं चाहता अगर कोई चाहता है तो भी ये धर्मों को इंस्ट्रूमेंट बना ले
जैसे कि ये धर्मों के द्वारा कुछ मिले, व्यापार, ये व्यापार खोल दिया धर्मों का, तो धर्म चाहता ही नहीं कोई, ठीक है। अर्थो और काम, पैसा कमाओ और एंजॉय करो, खाओ पियो जियो, और मोक्षों का तो कहने ही क्या है, हैं? लाखों में एक मोक्ष भी मांगता नहीं, मोक्ष जानकारी है नहीं, वो भी मांगता नहीं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्गो में आश्रय कर कर तमाम दुनिया घूम रहा है। और ये वृक्ष जो है असत वृक्ष का साथ तुलना किया गया, उत्तम वृक्ष है। और जिसका अंदर में जैसा जैसा विवेक का पैदा हो उनमें शो, जिसका अंदर में जहां जादृश विवेक ज्ञान भिन्न, जिसका अंदर में जैसा विवेक पैदा हुई ऐसा मुद्दा में एक अनुभव भी आया। ये ऊर्ध्वमूल अधोगामी, ऊर्ध्वमूल अधो असत्य विक्षो, ये सनातन है अर्थात नित्य है, शाश्वत है। जो व्यक्ति ये असत्य विक्षो का तमाम रहस्यों को जानने वाले जो है, ये जानने वाले जो है, तो ये जरूर ये वेद को जानने वाले। और तैत्तरीय उपनिषद में ये बताया गया, तैत्तरीय उपनिषद में ये लिखा गया, रसो रसो ही एवयम लब्धानंदी भवति, रसम रसम एव ही वयम लब्धानंदी भवति, अर्थात रस स्वरूप मेरे को प्राप्त करके, रस रस का स्वरूप, रस स्वरूप मेरे को प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाता है। रस स्वरूप आई एम द सोर्स ऑफ ऑल रस, ये रस स्वरूप मेरे को प्राप्त करने का बाद, रस स्वरूप मेरे को प्राप्त करने का बाद जीव आनंदमय हो जाता है। अनंतर और ये जो संसार वृक्ष है, ये संसार वृक्षों का जो धारणा है या कैसा कैसा ये संसार वृक्ष है, फिलोसॉफी तो है ही है, फिर भी संसार रूप वृक्ष है, ये अगर समझ में आए तो ये विवेक वैराग्य उसका लिए पैदा होना कोई बड़ा बात नहीं है। और वैराग्य रूप कुठार के द्वारा, वैराग्यों का मीनिंग है जो हम जो चीज को, जिस चीजों के अलावा मैं जी नहीं पाता हूँ और जिस चीजों के छोड़कर मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ये सब चीजों के साथ मेरा नाता जुड़ गया। जब भी नाता नहीं है, इन्फिनिटी पीरियड में मेरा विषय के साथ कोई नाता नहीं, लेकिन जुड़ गया। ये जोड़ने का बाद, विषय का साथ जोड़ने का बाद ये बड़ा मुश्किल हो गया बंधन दशा। और वैराग्यो का मतलब है टू डू अवे विथ मैटर, जितना जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही विषय का शिकार करो, जितना जरूरी है उतना ही विषय का शिकार करो, युक्त वैराग्य के हिसाब से विषय को शिकार करो। उसका ज्यादा करोगे तो भी बंधन है, उससे कम करोगी तो भी बंधन है। ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। और रसम रसम ही एवयम लब्धानंदी भवति, रस स्वरूप मेरे को प्राप्त करने के बाद ही जीवात्मा सब आनंदमय हो जाता। और वैराग्य का माने हैं विषय का कार्टेलमेंट, वो भी अंदर में कष्ट हो रहा है जोर जबरदस्ती, ऐसा नहीं। वैराग्य का मतलब सत वैराग्य, स्वाभाविक वैराग्य,
वैराग्य का एक्चुअल मीनिंग है, हमने बताया पहले भी, विशेष अनुराग भगवान में, भगवान में हो तो विशेष अनुराग भगवान में हो तो वैराग्य हुआ। और विगत राग, अगर ऐसा व्याख्या करो कि विगत राग, तो मेटेरियल जगत में माया के द्वारा जो प्रभाव है इससे परे हो जाना, विगत राग। एक व्याख्या है विशेष राग भगवान में, इसका विचार करो तो देखो कि वैराग्य स्वाभाविक आए, और उल्टा व्याख्या करने जाओ तो उल्टा मतलब इधर से भी व्याख्या हो सकता है कि माया का जो विषय है इसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा। अर्थात विगत राग, विषय के जो आकर्षण है विगत चला गया। क्यों गया? बोले रसो वर्जम रसो पार्श्व परम दिष्टा निवर्तन थे, जरूर भगवान को देखा होगा, नहीं तो वैराग्यों का व्याख्या झूठा हो जाएगा, सही नहीं। एक तो है भगवान में आकर्षण के कारण विषय फीका पड़ गया, ये हो सकता है, जो विशेष राग और विगत राग व्याख्या करो ये भी ऐसा ही व्याख्या आएगा घुमा फिरा कर। तो वैराग्यों के द्वारा आपका हृदय में अगर विषय से नफरत भी नहीं है, वैराग्यों के द्वारा आपका अंदर में विषय के लिए नफरत भी नहीं है, विषय के लिए आकर्षण भी नहीं है, विषय के लिए आकर्षण भी नहीं है और विषय के प्रति नफरत भी नहीं है, ऐसा अगर हालत है, ये वैराग्य कुठार के द्वारा पहले काट लो संसार को। ये संसार रूपी वृक्ष है जो जड़ जमा के बैठे हुए आपके हृदय में, जो जड़ जमा के बैठे हुए आपका हृदय में, उसको काटो फेंको। वैराग्य रूप कुठार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटो, छेदन करो। जो श्लोक बहुत बार पहले चर्चा हुआ था ना, एवं गुरु पसनैक भक्ता विद्या कुठरेण सितेन धीर विवृष जीवा संयमयम अप्रमत्त संवृष आत्मनम अथो तैजस्तम। एवं गुरु पसन, गुरु का उपासना मतलब गुरु का सामने रहो, गुरु का सेवा करो, आत्मवत। उपासना मतलब उपासना, गुरु का सामने रहना। अगर मुंह मोड़ लिया तो मुश्किल है, गुरु से सामने मुंह। इसलिए बताया भागवत के श्लोक में, एवं गुरु पर ऐसा करके गुरु का उपासना करो। विद्या कुठारे नो, विद्या का द्वारा, कुठार के द्वारा संसार को काटो, आकर्षण को काटो, माया को काटो। एवं गुरु उपासना को भक्ता विद्या कुठारे नो सीते नो दुर, विद्या कुठार के द्वारा, विद्या ज्ञान के द्वारा, और होने का बाद ये तुम्हारा जो कच्चा ज्ञान है जिसके द्वारा नेति 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 करके विचार बता के आगे गया, और अगर अनुभव में आया तो जो अस्त्रो जो इंस्ट्रूमेंट दे के वृक्षों को काटा है उसको भी फेंको, नहीं तो अभिमान पैदा हो सकता है। एवं गुरु पसनई को भक्त्या विद्या कुठारे न सीते न धीरो विपृष्ट जीवा संयमयम अप्रमत्त। अप्रमत्त माने वेरी अलर्ट होकर वृक्षों का काटो, ये जड़ से आकर्षण न पैदा होए। इसका बाद क्या होगा, जो आप जो ज्ञानी हो, ये जो अभिमान जिस ज्ञान के द्वारा विचार बनाते 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 इस तक आए हो, तो ये ज्ञान अगर अनुभव में आया तो इसको कच्चा ज्ञान को फेंको, ये ज्ञान को फेंक दो। विपृष जीवा स्वयं अप्रमत्त संवृष आत्मनम अथो तैजस्तम, अस्त्रों को फेंको, वृक्षों का छेदन हो गया। वैराग्य रूप कुठार के द्वारा संसार को, वृक्ष रूप संसार है इसको काटो। वैराग्य को अस्त्रों के द्वारा तुलना, अस्त्रों के साथ तुलना किया गया, ये संसार का मूल आश्रय है, भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, अनादि रावि गोविंद सर्व कारण कारण, माया भी अनादि है, ये संसार अनादि, ये जो मेटेरियल संसार ये भी अनादि है। अनादि कर्म फले परिभवार नव जले त्वरिवारे नादगी उपाय, ए विषय हला हले हैं दीवानिशी हिया जले मनो को भी सुख नहीं पाए, ये कीर्तन है। इसमें संसार का मूल आश्रय भगवान है,
और ये जो संसार वृक्ष है इसको ही दिखा, भगवान को दिखाई नहीं जाता। वृक्ष है ऊर्ध्व मूल मधो शाखम जो हमने बताया, ये श्लोक जो है सुंदर, पहला श्लोक 15 अध्याय का, ऊर्ध्वमूलम अधः स्वाखम असत्यम प्राहुरव्ययम छन्दांसी जस्व पर्णानी जस्तम वेद सबिद। ये अगर जानकारी जिसको है यही संसारी है, यही ये तुम ये वेद को जानता है वेदविद। और पक्का वेदविद कौन है? वेदविद हो सकता भगवान के कृपा से। वेदस्य सर्वैर्यहम विविद्धो, वेदों का समान वेदों का मैं ही वेद वस्तु है। वेदस्य सर्वैर्यहम विविद्धो। अच्छा इधर अगले श्लोक में बताया गया, दो नंबर शायद यही आज का अंतिम श्लोक है, अधश्च अर्धंच पसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयो प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंततानि हैं कर्मानु बंधिनी मनुष्य लोके। क्या माने हैं, क्या लिखा? अर्धश्च अर्धश्च ऊर्ध्वंच अर्धश अधश्च अधश्च क्या लिखा है? अधश्च ऊर्ध्वंच अधश्च ऊर्ध्वंच पश्चितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। क्या बताया? अशो माने यही संसार वृक्षों का गुण प्रवृद्धा गुणत्रय के द्वारा ये वर्धित होते रहते हैं, और विषय प्रबाला विषय रूप पल्लव युक्तो तरह तरह का विषय है। विषय प्रबाला विषय रूप पल्लव, विषय रूप पल्लव चारों ओर खिले हुए हैं और शाखा ब्रांचेस हैं। अधः निम्नो दिखे, निम्नो नीचे में जा रहा है, अधः अर्थात निम्न रूपी जा रहा है ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्व अधो पश्चिता ऊर्ध्व अधो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अधो माने निम्न दिखे ऊर्ध्वश्च ऊपर 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 में ही जा रहे हैं, पश्चिता विस्तृत होके पड़ा हुआ है। ये मनुष्य लोके मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी, ये मनुष्य लोके कर्मों का अनुसरण फल मिलते रहते हैं। मनुष्य लोके अर्थात नर लोके कर्मानुबंधिनी कर्म प्रवाह जनक मूलानी मूल समूह अधश्च अधोदिके अनुसंततानी विस्तृत रूपे ना प्रकाशित होकर पड़ा हुआ है। इसी संसार में, इसी संसार वृक्षों, इसी संसार वृक्षों का गुणों के द्वारा वर्धित, इसी संसार वृक्षों, इसी संसार वृक्षों के गुणों के द्वारा वर्धित है। और विषय रूप पल्लव जो है शाखा समूह निम्नो दिखे, निम्नो नीचे जा रहा है, अर्थात निकृष्ट जोनि एवं ऊर्ध्व अर्थात देवादि जोनि से विस्तार लाभ करके बैठा हुआ। ऊर्ध्व मूल मधुशाखा मन नीचे नीचु जोनि निकृष्ट जोनि में भी प्रवेश कर रहा है जीवात्मा सब, और ऊर्ध्व ऊपर ऊपर देव जोनि आदि उसमें भी जा रहे हैं। ये प्रकाशित हो गया संसार चारों ओर। इस संसार वृक्षों का गुणावली जो है इस गुणावली के द्वारा वर्धित है। ये संसार वृक्षों गुणों के द्वारा वर्धित है। विषय रूप पल्लव युक्त शाखा समूह कभी नीचे में कभी ऊपर, कोई नियम नहीं है। निम्न दिखे अर्थात निकृष्ट जोनि में और ऊर्ध्व भूमिका में अर्थात देवादि जोनि में विस्तार लाभ के लाभ कर पड़ा हुआ है।
नरलोके अर्थात मनुष्य लोके कर्म प्रवाह जनक जटा समूह अधो भाग में सर्वदा विस्तार लाभ करते रहते हैं। क्या बताया, अधश्च ऊर्ध्वश्च कोई नियम नहीं है, ऊपर नीचे जा रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वंच अधश्च ऊर्ध्वंच पश्चिता स्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये वृक्ष जो है असत्य वृक्ष, ये वृक्षों का शाखा प्रशाखा जो है तमाम जो है सब तमगुण को आश्रय कर कर नीचे जा रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये वृक्षों का ये जो शाखा है ब्रांचेस है कुछ ब्रांचेस है तमोगुण को आश्रय करके अधोगामी नीचे जा रहे हैं, और कुछ ब्रांचेस ऐसा है रजोगुण को आश्रय करके समान भूमिका में अर्थात वृक्षो जिस भूमिका में ऐसा है, और बाकी जो सतगुण को आश्रय करके ये वृक्षों का जो ब्रांचेस शाखा पुशाखा प्रसित हो रहा है प्रकाश हो रहा है ये सकल गुणावली जो है ये जो सतगुण के द्वारा ही वर्धित होते रहते हैं। सतगुण के द्वारा पदगुली सतगुण के द्वारा अवलंबन करके ऊर्ध्व मूल अर्थात ऊपर जा रहे हैं, तो तमगुण के द्वारा नीचे रजोगुण के द्वारा मिडिल में बीच में और सतगुण के द्वारा ऊपर जाने का व्यवस्था। सकल तमाम गुणावली यह प्रकृति का ही है, सकल गोली प्रकृति का गुणोत्तरा के द्वारा पुष्ट हो रहा है, और जरियो विषय समूह मेटेरियल विषय जो है वही बिखो शाखार पल्लव पल्लव मैंने पत्ता अच्छा अच्छा इंटरेस्ट दिखाकर तरह तरह का विचार दिखाकर उसको लोभित प्रलोभित करके उसको खींच के लाके उसको मारता है। सो सतगुण के द्वारा सतगुण का आश्रय करके कुछ गुणोत्राय सतगुण गुणोत्राय के एक एक गुण जो है एक एक आश्रय करके है ना तमगुण तमगुण जो है तमगुण का आश्रय कर लिया विखो का कुछ क्वालिटीज है ये तमगुण का आश्रय नीचे जा रहा है कुछ जीवात्मा और कुछ जीवात्मा रजोगुण का आश्रय के मिडिल में है कुछ जीवात्माएँ हैं ये प्रकृति के अंदर में और सतगुण को अवलंबन करके ऊपर जाने का कोशिश करे ऐसे चलते रहते हैं ब्रांचेस। पटोभिक्षों का मापिक ये जटाजाल जो है इसका जो जटाजाल भक्ति में ठाकुर उदाहरण दिया जैसे पटोभिक्षों का है ना जटाजाल जो है जाल जो है जटा इससे जो ब्रांचेस निकलता है नीचे आता है बटोभिक्षु का नाय ये असत्य भिक्षु का जटा सकल अधोभागे फल अनुसंधान पूर्वक विस्तार विस्तृत हो गया ऊपर व जोड़ियो विषय समूह जोड़ियो विषय समूह जो है ये वृक्षों का शाखाए हैं पल्लव और बटोभिक्षु का नाय ये असत्य भिक्षु जटा जाल जो है सकल अधोभागे फल अनुसंधान पूर्वक विस्तृत होके पड़ा हुआ है ऐसा ही है। आज यहाँ तक चर्चा को सीमित रखे कल चर्चा हो पाएगा। यहाँ बताया याद है यद जदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि जदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अश्वतनुभा य आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो अश्यांशो विभवः सरैश्वर्यै सरैश्वर्यै पूर्ण ज इहो भगवान् स्वयमयम् य चैतन्यात् न चैतन्यात् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्व परमिहो वांछाकल्पतरुवस्य के बासिन्द विवच पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।